सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का फिर से एक नया ब्लॉग लेके आ चुका हूँ। अभी दिखाएंगे हमारा जो काम है, वो काम आप लोगों को दिखाएंगे। मटन बिरयानी मारे हैं, वो आप लोगों को दिखाएंगे। मटन बिरयानी दम लगाए हैं, तो दम ऑलरेडी हो चुका है और ऑर्डर भी उसका बहुत सारी ऑर्डर निकल चुका है। थोड़ा अभी फ्री है, सोचे कि आप लोगों को बिरयानी का दम दिखाएंगे, बिरयानी दिखाएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग ढेर सारे कमेंट करना, और आप लोग किस तरह का वीडियो चाहिए हमें जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा टाइम एक लाइक कर देना। सो गाइस, आज आप लोगों को और एक चीज दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, ये है जो हमारा होटल का फ्रंट का जो एरिया है, वो एरिया देख सकते हैं आप लोग। ये जो है रेस्टोरेंट में जो लोग कुछ बैठे हैं, और सामने का लाइट का फैसिलिटी है, और ये छोटा सा ये रूम है, प्राइवेट रूम है, जिसके अंदर छोटे बच्चे के लिए भी चार रखा है और सिंगल कपल्स के लिए भी रखा है। और सामने से आपको विंडो दिखता है, और इसके बाद आपको दिखाएंगे प्राइवेट रूम जो है, जिसमें अरबियन स्टाइल में आप खा सकते हैं बैठ के। ये अरबियन स्टाइल में है और इसके अंदर आप बैठ के खा सकते हैं। यहाँ पे चार टेबल का कोई सीन नहीं है, आपको नीचे बैठ के अरबियन स्टाइल में बैठ के आप खा सकते हैं, जो एक साथ में आपको 5-6-7 आदमी बैठ के एक साथ में खा सकते हैं। सो इसका नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। एक साथ में 5 आदमी खा सकते हैं, और जो ये केस में बैठे हैं ये ओनर है, और ये इनका अभी भी फिलहाल केसीआर जो है अभी रेस्ट में, सो इसलिए उन्होंने अभी जो है बैठे हैं। तो ये बिरयानी बैकेट बिरयानी देख सकते हैं, रहमानिया बिरयानी का बैकेट है। ये मास्टर है, असिस्टेंट है, हेल्पर है इनमें से, और दो खत्म, बाय बाय टाटा। चार जो है वो उसमें वो साइड का जो होटल है वहाँ पे काम कर रहे हैं सब। तो अभी इन लोग जो है अभी कटिंग कर रहे हैं। भाई पूछेंगे पहचान, भाई बताएंगे। भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्णव है। और गांव किधर है? सतंगापुर। अच्छा ठीक है। भाई तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन एक सेकंड, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सलीम, कहाँ से हो? कलकत्ता। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई। कितना देर तुम मास्टर हो कि अश्विन चेफ हो, क्या हो? मास्टर है। अच्छा, कितना दिन का एक्सपीरियंस है भाई? मेरा 20 साल हो गया। अच्छा ठीक है। छोटे तुम्हारा नाम क्या? गाइस मैं इससे पहले एक बात बताता हूँ, या कुछ बोले इससे पहले एक बात बताता हूँ। ये बच्चा जो है बंगाली है, और ये बहुत दूर से आया है, जैसे कि हमारा इंडिया का बॉर्डर जो है बांग्लादेश बॉर्डर से आया है। लड़का का नाम हमारा इंडियन है, ऐसा बात नहीं है। भाई तुम्हारा नाम क्या? रोहित शर्मा। रोहित शेट्टी, सॉरी रोहित शेट्टी है इसका नाम। तो ये बच्चा जो है अभी हेल्पर में आया, नया लड़का है, तो काम सीखने के लिए आया। चलो बांग्ला पर नहीं जानता ना, आपका से देखा करे खूब ভালো লাগলো। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो। এবার আর ক্যামেরা তে দেখে বলো, আমার দর্শক কে দেখে বলো। আরে মানে কি বলবো, আমার একটু ভয় ভয় করে। তো এবার কেন ভয় কেন, আমি এখানে আছি তো, কোনো চিন্তা নেই, ঠিক আছে। चल रहा है। उसके अलावा और भी एक चीज़ खास चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को। ये जो है पुराना ज़माना का जो है लकड़ी का
भट्टी है, इसके अंदर आप बिरयानी दम मार सकते हो, कुछ भी ग्रेवी व्रेवी सब सारी चीज बन सकते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं लकड़ी का चूल्हा, अरे ऊपर जाएगा, अरे किचन का अभी सेट हो रहा है फिलहाल, अभी दम बैठ गया। और ये तीनों जो है हमारे मालिक के लड़के हैं। और सो गाइस देख सकते हैं जो ये हमारा स्टाफ है, ये हमारा चाइनीज किचन का सेटअप है। अभी कल हम लोग ड्रेस करने वाले हैं, क्योंकि आज अभी कचरा वचरा होएगा, ड्रेस थोड़ा कचरा होएगा, इस वजह से हम लोग अभी सेटिंग कर रहे हैं। अमी বৃষ্টি হব যদি তুমি ভেজো, আমি অশ্রু হব যদি তুমি কাঁদো, আর আমি তোমায় ভালোবাসব যদি আমায় একটু বোঝো, আর আমি বোকাচোদা হব যদি তুমি বানাও। तो कल हम लोग ड्रेस करेंगे, कल आप लोग को और उसके आगे का वीडियो भी दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम लोग को वीडियो को भर भर के सपोर्ट करते रहना। इसी तरह का नए नए ब्लॉग लेकर आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।